जय हिंद फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए नई भर्ती की नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन चार ट्रेडों पे भर्ती आई है, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या उसमें हाइट मांगी गई है। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये भर्ती की नोटिफिकेशन वैसे 3 दिन या 4 दिन पहले आ गई थी, लेकिन बना नहीं पाया था क्योंकि इस बीच में आपने देखा ही होगा कि हमारे एक भूतपूर्व सैनिक है नायक रेशम भाई, जिनके साथ में पुलिस के SI राम नरेश ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया था और उनके साथ में अभद्रता की गई थी और उनको काफ़ी चोट आई है, जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है और 21 तारीख को बरेली में दामोदर पार्क में उनका धरना प्रदर्शन है। तो जो भी हमारे फौजी परिवार है या जो सेना से प्यार करते हैं, वो लोग वहाँ जाके उनको अपना सहयोग जरूर दें और उनको ताकि कानूनी न्याय मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं न्यू भर्ती नोटिफिकेशन की। फ्रेंड्स, इससे पहले इस वाले जो सेकंड लॉकडाउन के बाद में सबसे बड़ी भर्ती आई है राजस्थान में, जिसकी मैंने पहले वीडियो बना दी है, जिसमें राजस्थान के तकरीबन सारे जिलों में भर्ती आई है। और उसके बाद में जो नया नोटिफिकेशन आया था, फिर वो आया था हमारी बहनों के लिए, जो कि कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में फीमेल गर्ल्स की भर्ती है, जो कि 100 सीटों पर आई है सोल्जर GD की। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, वो लोग आई बटन पर वीडियो है। साथ ही कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का क्या काम होता है, उसकी भी पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप लोगों को लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आई बटन में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब ये जो नई भर्ती आई है उसके बारे में आपको बताता हूँ। और साथ ही जिनके यहाँ भर्ती नहीं आई है, वो लोग बिल्कुल भी निराश ना हो। देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे भर्तियाँ खुल गई है और जैसे ही भर्तियों की अपडेट आती रहेगी, आप लोगों को पूरा मैं अपडेट देते रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आई है आपकी चार ट्रेडों पर भर्ती। पहला ट्रेड है आपका सोल्जर GD, जिसमें हम बात करते हैं जो एज का क्राइटेरिया है वो है आपका 17.5 to 21, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में। अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पे हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन मांगी है 10th पास, जिसमें कि आपकी 10वीं में 45% होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% से ऊपर नंबर होने अनिवार्य है। चलिए फ्रेंड्स, जो दूसरा ट्रेड है वो है आपका सोल्जर टेक्निकल का। और सोल्जर टेक्निकल के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17.5 to 23। इसमें आपका जन्म की जो तारीख है वो होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में। अगर हाइट की बात करें तो यहाँ भी हाइट सेम 170 सेंटीमीटर। और अगर एजुकेशन की बात करें तो आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में इंग्लिश होनी चाहिए, ओवरऑल आपके 50% नंबर होने अनिवार्य हैं, साथ ही हर एक सब्जेक्ट में 40% से अबव। तो फ्रेंड्स, ये था सोल्जर टेक्निकल का। और बार एविएशन और एमिनेशन का आता था, लेकिन इस बार नहीं दे रखा है, तो सोल्जर टेक्निकल की ये भर्ती है। अब जो तीसरा ट्रेड है फ्रेंड्स, वो है आपका सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का। तो सारे ट्रेडों की मैंने वीडियो बना रखी है, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही उन ट्रेडों के लिए आप बोलते रहते हो कि सर बेस्ट बुक कौन सी है, मेरा ओपिनियन मैंने दे रखा है, आप लोग वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जो नर्सिंग असिस्टेंट है उनके लिए जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है 17.5 to 23। इसका क्राइटेरिया 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में। हाइट की बात करें तो हाइट 170 सेंटीमीटर। एजुकेशन की बात करें तो उनके 12th में होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में 50%, साथ में इंग्लिश। अगर उनके बायोलॉजी नहीं है तो उनका जियोलॉजी और बॉटनी होना अनिवार्य है, ओवरऑल 50%, और हर एक सब्जेक्ट में 40% से अबव नंबर होना अनिवार्य है। साथ ही फ्रेंड्स, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का क्या काम होता है, AMC के नर्सिंग असिस्टेंट और रिमाउंट वेटनरी कोर के नर्सिंग असिस्टेंट में क्या डिफरेंसेस है, आप आई बटन में वीडियो देख सकते हैं। साथ ही पूरी कंप्लीट जानकारी आपको नर्सिंग असिस्टेंट का वाले लिंक में आपको मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं सोल्जर क्लर्क SKT की। इसके लिए हमेशा इंडिया में तकरीबन हाइट का क्राइटेरिया सेम रहता है, कुछ एक उनको छोड़ के, जैसे उत्तराखंड का हो गया और आपका नेपालीज और गोरखास का हो गया, इनको हाइट में छूट है। बाकी पूरे ऑल इंडिया के लिए हाइट जो होती है वो 162 सेंटीमीटर होती है। हाइट सबसे कम, एजुकेशन सबसे ज़्यादा। चलिए अब इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 17.5 to 23, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना अनिवार्य है। अगर हाइट की बात करें तो हाइट 162। अगर एजुकेशन की बात करें तो आपके होने चाहिए मैथ और इंग्लिश कंपलसरी है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो, ओवरऑल 60% और हर एक सब्जेक्ट में 50% से अबव नंबर। अगर आप साइंस के हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, वही ओवरऑल 60% हर एक सब्जेक्ट में 50% से अबव।
अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका मैथ के बदले आपका अकाउंट्स और इंग्लिश होना अनिवार्य है, ओवरऑल 60% और हर एक सब्जेक्ट में 50% से अबव नंबर होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका क्राइटेरिया। साथ ही फिजिकल के लिए अगर सोल्जर जीडी की बात करें तो 5 मिनट 30 सेकंड से पहले आने वाले एक्सलेंट ग्रुप में रखे जाएंगे, जिनका कि 60 नंबर उनको मिलेंगे अगर एक्सलेंट में आते हैं। 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आते हैं तो सेकंड ग्रुप में आएंगे, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगा कि एक्सलेंट से नीचे आप कुछ लाएँ। तो 60 नंबर हो गए आपके एक्सलेंट में दौड़ के, और 40 नंबर हो गए आपके पुलअप्स के, उससे नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। आपको फिजिकल में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। अपनी तैयारियां बिल्कुल जोरों पे कीजिए, आज से अपनी मेहनत स्टार्ट कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें और अपने हाथ पांव को चोट पटक से भी दूर रखें। तो फ्रेंड्स ये थी 4 ट्रेडों पे भर्ती, और साथ ही कुछ छूटें मिलती हैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को, उसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही एनसीसी वालों को, एनसीसी ए वालों को 5 नंबर का बेनिफिट मिलता है, एनसीसी बी वालों को 10 नंबर का बोनस मार्क मिलता है, एनसीसी सी वालों को 15 नंबर का बोनस मार्क मिलता है। साथ ही जो जीडी ट्रेड या ट्रेड्समैन के लिए, उनको रिटर्न टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बात करें आपकी सोल्जर टेक्निकल की, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की या क्लर्क की, तो एनसीसी सी वालों को 15 नंबर का बोनस नंबर मिलता है। उसी प्रकार जो एक्सर्विसमैन या भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे या सेवारत सैनिकों के बच्चे हैं या वार विडोज के बच्चे हैं, उनको 20 नंबर का बोनस मार्क मिलता है। साथ ही उन लोगों को हाइट वेट में भी छूट मिलती है और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को भी। लेकिन एनसीसी में आपको सिर्फ बोनस नंबर मिलते हैं, हाइट और वेट चेस्ट में कोई छूट नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स ये था न्यू भर्ती नोटिफिकेशन, ये आया है आपका एआरओ पटियाला का, और एआरओ पटियाला के अंदर में जो ये भर्ती होनी है, ये होनी है आपकी 6 अगस्त से लेके 20 अगस्त 2021 तक, जिसकी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 6 जून से लेके 20 जुलाई। तो जो भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना एक एक शब्द अपनी आंखों के सामने देखिए, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती भी आपको आफ्टर सिलेक्शन के बाद में आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो अपना डॉक्यूमेंट आराम से भरें, तसल्ली से भरें, अपनी आंखों के सामने भरें। तो फ्रेंड्स ये था न्यू भर्ती नोटिफिकेशन, और इसको लेके अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम माननीय रक्षा मंत्रालय से गुहार करेंगे कि इस कोविड के कारण भर्तियां काफ़ी लेट आई हैं, बच्चों को एज में छूट दी जानी चाहिए, उसके बारे में आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो बनाएंगे। तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।